तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था, और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव कर। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा वीडियो देख लिया हूँ, जो कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि नेजी का रिएक्शन निकल कर आ चुका, जहाँ पे नेजी का हाथ अनिल कपूर के हाथ में था। नेजी भी जीत सकते थे, लेकिन सना मकबूल बिग बॉस OTT3 की ट्रॉफी जीत गई। लेकिन उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया गया, जहाँ पे नेजी क्या बोलते हुए नजर आया। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया, तभी तो यहाँ तक आया। तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेजी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा, लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा, और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनालिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। लोगों के झगड़े होते हैं अंदर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को लोगों ने प्यार दिया, भाभियों ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मुझे प्यार दिया, सब ने मुझे अपना समझा। तो मैं अच्छे से एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाए और पॉजिटिव रहे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसे ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला, क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था, और वो चीज़ मैंने बंद की, क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है, वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई। तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। हाँ, तो आपने नेजी का वीडियो देख लिया हूँ, जहाँ पे नेजी ने बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद और सेकंड विनर बनने के बाद क्या बोला। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपने नेजी को सपोर्ट किया था, नेजी को वोट किया था, क्या सना मकबूल को, और आपको क्या लगता है कि नेजी भी जीत सकता था, नेजी जीतने के लायक था, नेजी के साथ गलत हुआ। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।